खानी है, फेंकनी नहीं है। देखें, हमेशा आप लोगों ने जो है वो गले में उतारनी है थोड़ी सी डीप। काफी सारे लोग पूछे थे कि यार जैडी कहाँ पे है, उसकी अपडेट नहीं दी। जैडी इधर ही है हमारे पास, और इसके भी हम कान साफ कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसकी डिवर्मिंग तो करनी करनी है, लेकिन साथ में हम आप लोगों को भी दिखा देंगे डिवर्मिंग किस तरह से करेंगे, ये करवाता भी है या नहीं करवाता। मुझे उम्मीद तो है कि इसके पुराने जो लोग थे जिन्होंने पाला हुआ था, उन्होंने डिवर्मिंग की हो ना की हो, अपडेट इसकी कर दें हम डिवर्मिंग, ताकि इसके जो काफ़ी सारे बाल भी उतरें वो भी ज़रा उतरना कम हो जाए। और इसकी ट्रिमिंग का भी सोच रहे हैं, आप लोगों ने बताना कि ट्रिमिंग करें या ना करें इसकी, और इसको क्लिनिक लेके चलते हैं अभी, और इसकी जो है ना डिवर्मिंग करते हैं। आप लोगों को डिवर्मिंग का थोड़ा वो तरीकेकार भी बताते हैं, ताकि आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प हो जाए जैडी के साथ साथ। चलो जैडी चलें, चलें, चलो जी। जैडी को हम ले आए हैं क्लिनिक पे, और डॉक्टर साहब ने वैसे इसका सारा चेकअप तो कर लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी डिवर्मिंग हमने करनी है। इसके बाल काफ़ी सारे उतरने हैं, थोड़ी सी उससे हेल्प मिलेगी, आंखों में से पानी जो थोड़ा बहुत आता है उससे भी हेल्प मिलेगी। ओवरऑल वैसे भी डिवर्मिंग आप लोगों ने करनी ही करनी होती है हर 3 मंथ्स के बाद अडल्ट कैट्स की, बेशक पेट में कीड़े हों या ना हो, इससे इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती है। तो इसकी डिवर्मिंग हम करेंगे बेसिकली टैबलेट से। कुछ लोग कहते हैं यार हमें सिरप बता दें, ये बता दें, तो बेसिकली टैबलेट से ही अडल्ट कैट्स की डिवर्मिंग होती है, किटन की सिरप से हो जाती है। और हम जो डिवर्मिंग इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक कैनिवम, जो कि मेरी नज़र में इस टाइम सबसे अच्छी टैबलेट है पाकिस्तान के अंदर। एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छी है। और ये तकरीबन हमने इसको वेट के हिसाब से देना है, तकरीबन 4.5 kg का वेट है, और इसको हमने तकरीबन हाफ जो है ना वो दे देंगे। अभी इसने सुबह खाना खाया था, और अभी इसको हमने खाना देना है 2-3-4 घंटे बाद खाना देंगे ये देने के बाद, ताकि डिवर्मिंग इसकी ईजीली हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं इसके बाल जो हैं वो थोड़े बहुत ऐसे भी हाथ लगाने से उतर रहे हैं, इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं तो मेरा मूड वैसे है कि इसको हम ट्रिम ही कर देंगे, क्योंकि बाल गर्मियां भी आ रही हैं आगे, बाल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैरी को जो है वो डॉक्टर टैबलेट दिखाएंगे कितनी है, ये तकरीबन हाफ टैबलेट है, हाफ के अराउंड, और ये इसको देंगे हम, और जैरी देखते हैं खाता भी है या नहीं खाता। जैरी खानी है, खानी है, फेंकनी नहीं है। देखें, हमेशा आप लोगों ने जो है वो गले में उतारनी है थोड़ी सी डीप, और उसके बाद नीचे से थोड़ा सा रब कर देना है, और जब तक जुबान बाहर ना निकाले एनिमल, इसका मतलब है कि उसने अभी, इसने खाई है कि नहीं, इसने खा ली है, देखें, छोड़ दें सब, और उसने ज़ुबान भी बाहर निकाल ली है, इसका मतलब है कि ये निगल चुका हुआ है। तो ये तरीका होता है अगर आप लोगों ने टैबलेट घर पे देनी हो, और सेफली। मैं फिर आपको कहूँगा कि डॉक्टर के मशवरे के बिना डिवर्मिंग ना करें, और डिवर्मिंग अक्सर चेंज करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, या फिर जो है वो एज के हिसाब से या वेट के हिसाब से अगर चेंज करनी पड़ती है अक्सर, तो डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। और डिवर्मिंग के तकरीबन 3 या 4 घंटे बाद भी हम इसको खाने को कुछ नहीं देंगे, प्रॉपर डिवर्मिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर अगर ज़रूरत पड़ी 3 महीने से पहले या 2.5 महीने से पहले तो करेंगे, अदरवाइज 2.5-3 महीने बाद इसकी जो है ना वो डिवर्मिंग होगी। और आप लोगों ने बताना है कि हम इसकी कटिंग करवा दें या ना करवाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है छोटे छोटे अभी तो मैट्स नहीं है वैसे, इसकी ब्रशिंग वगैरह होती है, लेकिन इसके बाल जो हैं वो आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, और हो सकता है कि डिवर्मिंग के बाद ये बेहतर हो जाए। लेकिन अब ये आप लोगों ने बताना है कि हम जैडी की कटिंग करवाएं या ना करवाएं। आप लोगों में से जो लोग ज़्यादा वोट डालेंगे हम वो ही करेंगे, या फिर मेरा दिल है कि मैं इसकी कटिंग करवा ही दूं जैडी, है ना। आज की वीडियो शॉर्ट्स की थी, मैंने सोचा आप लोगों को जैडी की अपडेट भी दे दूं, और साथ में डिवर्मिंग का भी थोड़ा बहुत बता दूं, कान वगैरह भी इसके साफ़ किए हैं, और कटिंग का भी सोचा, मैंने सोचा कि आप लोगों से ही मशवरा कर लिया जाए। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं जैडी की या मेरी, तो हमें ज़रूर लाइक करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।